देश की मशहूर एवं ऑस्कर अवार्ड विजेता फिल्म निर्देशक एसएस राजमौली और बॉलीवुड निर्देशक रोहित शेट्टी हिमाचल प्रदेश पुलिस ऑर्केस्ट्रा हारमनी ऑफ द पाइन्स को लेकर जल्द ही बड़े पर्दे पर धमाका करने जा रहे हैं। इस दिशा की ओर इन निर्देशकों द्वारा स्क्रिप्ट लिखनी भी शुरू कर दी गई है। इस बात का खुलासा हारमनी ऑफ द पाइन्स के टीम लीडर इंस्पेक्टर विजय कुमार ने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कही है। मंडी जिला के सुंदरनगर में इन्होंने ये बात कही है, जहां हिमाचल प्रदेश पुलिस ऑर्केस्ट्रा हारमनी ऑफ द पाइन्स राज्य स्तरीय नलवाड़ मेला सुंदरनगर की अंतिम सांस्कृतिक संध्या पर परफॉर्मेंस देने के लिए आए हुए थे। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल बेस्ट परफॉर्मर बैंड 2023 के अवार्ड से नवाजे गए सुप्रसिद्ध हिमाचल प्रदेश पुलिस ऑर्केस्ट्रा हारमनी ऑफ द पाइन्स की शानदार प्रस्तुतियों ने प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और श्रोताओं को झूमने पर विवश कर दिया है। आपको बता दें कि हिमाचल पुलिस बैंड की टीम ने मुंबई में एक शो के फाइनल तक का सफर तय किया था। पुलिस बैंड विजेता नहीं बन पाया, लेकिन शो के फाइनल में तीसरा स्थान हासिल करने में कामयाब रहा। 1996 में हिमाचल में पुलिस के जवानों की ड्यूटी के तनाव को कम करने के लिए इस बैंड को बनाया गया था। शुरुआत में टीम में सिर्फ 6 सदस्य थे, अब ये संख्या 14 हो गई है। इसी को लेकर इंस्पेक्टर विजय कुमार लीडर हारमनी ऑफ द पाइन्स क्या कुछ कहते हैं वो आप सुनो। अभी जब ये दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड हो रहा था, तो हमारे संजय कुंडू सर जो हमारे डायरेक्टर जनरल पुलिस है वो भी वहाँ थे। तो राजा मौली साहब जो कि RRR इस साल का जो सबसे बड़ा जो ऑस्कर अवार्ड मिला है और जितने फिल्म फेयर अवार्ड मिले उनको मिले हैं, तो सबसे बड़ी मूवी इस साल की वो है, सबसे ज़्यादा कमाई उन्होंने करी है। तो जो RRR के जो राजा मौली साहब है जो उसके डायरेक्टर हैं, और रोहित शेट्टी साहब जो कि आपको पता ही है पुलिस के लिए इतना काम करते हैं, ये दोनों DGP संजय कुंडू सर के साथ बैठे थे। मुझे भी उनके साथ बैठने का मौका मिला और उन्होंने कहा कि आपने पुलिस के बारे में मेरी सोच बदल दी। मैं पुलिस के बारे में कुछ और ही सोचता था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे हिमाचल में इतनी सुरीली पुलिस है। तो ऐसा सुरीली पुलिस का उन्होंने टैग दिया। और मुझे शायद ऑफिशियली अभी अनाउंस नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं और कुछ स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया है, और शायद कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, और जब मौका आएगा तो वो भी आपको अनाउंस करेंगे। हमें परफॉर्म करने का मजा आया, और जिस तरह से पब्लिक झूम रही थी, जिस तरह से लोग इन्जॉय कर रहे थे, और जिस स्माइलिंग फेस के साथ और बीच बीच में स्टैंडिंग ओवेशन देकर जिस तरह से लोगों ने सत्कार किया, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और बहुत मज़ा आता है, क्योंकि हिमाचल में परफॉर्म करना, पूरी अब तो पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह हम जा रहे हैं परफॉर्म करने के लिए, और सब लोग बड़े प्यार से सुनते हैं, बहुत प्यार आशीर्वाद मिल रहा है। और वर्दी को और देवभूमि हिमाचल को रिप्रेजेंट करने का बहुत अच्छा मौका है हमारे लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा आनंद आता है जब हम अपने लोगों के बीच में परफॉर्म करते हैं और अपने लोग हमको एक्सेप्ट करते हैं। उतना ही प्यार, उतना ही आशीर्वाद अपने लोगों से मिलता है, तो बहुत मजा आता है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिशियल अवार्ड है, और इस अवार्ड में जब हमको पता चला कि हमने परफॉर्म करना है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, और इसकी तैयारी में हम लग गए। और जब हमको हमारे जो डायरेक्टर जनरल पुलिस है श्रीमान संजय कुंडू सर और माननीय मुख्यमंत्री जी से जब मिलना हुआ, तो दोनों ने हमको ये कहा कि भी किसी तरह से हिमाचल को रिप्रेजेंट करो, और इतना बड़ा मंच है, 122 कंट्री में, 124 कंट्री में तुमको लाइव लोग देखेंगे, और इतना बड़ा मौका है, तो ये हिमाचल को किसी तरह से रिप्रेजेंट करो। तो फिर उस समय दिमाग में आया कि कुछ ऐसा कंपोजिशन बनाई जाए जिसमें हम हिमाचल की बात करें। तो हमने फिर ये एक धुन बनाई, और जिसका टाइटल था कि मेरा हिमाचल, प्यारा हिमाचल और हमारा हिमाचल। तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन हमको दिया, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा पल था, बहुत जैसे जीवन जिया है हमने इस तरह का।